हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल T20 लीग के बारे में, यानी कनाडा T20 लीग के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे 10वीं मैच जो कि WHBCS BRW के बीच में होने वाला है, इसी मैच के बारे में। इस मैच की मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मैं लगभग मैच शुरू होने के 2 घंटे 13 मिनट पहले जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में जितना सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है करीबन 12, 14 या 24 घंटे पहले जो वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कोई न्यूज़ अपडेट नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, और ऊपर से आपको इस वीडियो से देखने से बहुत सारी फ़ायदा होगा। ऊपर से मैं आपको इस मैच में बहुत सारी जो है मैं खुद जो इस मैच पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये टीम प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे फेक लोग हैं जो कि पैसे लेके टीम देते हैं, खुद तो कभी विन नहीं कर पाते, पैसे लेके लोगों का चुतिया करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूज़ एंड अपडेट के बारे में। तो WH ने अभी तक 3 मैच खेला है, उसमें से इन्होंने पहला मैच ही हारा है, उसके बाद इन्होंने 2 मैच जीता है। वहीं पर BRW की बात करें तो इन्होंने 2 ही मैच खेले हैं और दोनों में से दोनों ही मैच जीते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों में से बहुत सारे अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जैसे कि अगर हम लोग क्रिस लीन, साइमन अनवर जो है वो जो WH के लिए जो है वो ओपनिंग करेंगे, और इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है। और लास्ट दोनों मैचों में जो है क्रिस लीन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पर सनी सोयल, JP डुमिनी, डुएन ब्रावो, हाजमा के आने से जो है इनका मिडिल ऑर्डर जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खासतौर से JP डुमिनी। वहीं पे बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो यहाँ पे स्कीपर जो कि कैप्टन है टीम के वो है रायड एमरेड, जो कि वेस्टइंडीज़ के लिए खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, वो जो है बॉलिंग को लीड करेंगे। उसके साथ मोहम्मद इरफान, कलीम सना और उस उमेर घानी जो है इनके साथ जो है बॉलिंग पैर में नज़र आएंगे। वहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी टीम के बारे में, तो यहाँ पर निल्डन सिमेंस और जॉर्ज मुंशी जो है ओपनिंग करेंगे। साथ ही साथ जो है कॉलिन मनरो का अभी तक ग्लोबल T20 लीग में इन्होंने कुछ खासा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन इस मैच पे कर सकते हैं, क्योंकि क्यों परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस मैच में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप अगर खुद से टीम बनाते हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो आपको पता है इस मैच पे इनके रन करने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर नीतीश कुमार, शाहिद अफरीदी की फॉर्म बहुत ही अच्छी है, वहीं पर रोहन मुस्तफ़ा जो कि अभी तक बैटिंग से कुछ खास अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ी बहुत बॉलिंग से विकेट ले लेते हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग की, तो इनके मेन बॉलर रहेंगे वहाब रियाज, उनके साथ यहाँ पे जो है परवेज जहूर खान और एक छोटी जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो रायन एमरिड जो कि टीम के कैप्टन है, उसके बाद जो है सनी सोहेल है, JP डुमिनी है, क्रिस लीन है, साइमन अनवर, उस्मान घानी है, वहीं पर डुएन ब्रावो, मोहम्मद इरफान, हाजमा जो कि विकेट कीपिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पे तरुण शशिदेव है और कलीम सना है। अब बात करें तो दूसरी टीम के बारे में, तो यहाँ पे शाहिद अफरीदी, रोहन मुस्तफ़ा, जॉर्ज मुंशी, लिंडन सिमंस, वहाब रियाज, कॉलिन मनरो, इसोडी, परवेज जहूर खान, नीतीश कुमार और यहाँ पे नवाज सिंह, ठीक है। सो अब मैं आपके लिए एक ड्रीम 11 की टीम बनाने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिक लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा टीम बनाने में। तो एक एक करके बात करते हैं और मैं आपको कुछ सजेशन भी दूंगा, जिस प्लेयर को मैं इस टीम में नहीं ले पाया आप उसे शायद ले पाओ, ठीक है। तो आप अगर खुद से टीम बनाओगे ना तो आपको धीरे धीरे जो है एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अगर आप किसी और की टीम को देख के कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करोगे ना ही आप कभी जीत पाओगे और ना ही कभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिंडन सिमंस विकेट कीपर के लिए फर्स्ट चॉइस रहेंगे, हालांकि अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो आप एक से ज़्यादा विकेट कीपर ले सकते हो। तो उमर अकमल अगर खेलते हैं, हालांकि लास्ट मैच उन्होंने नहीं खेला था तो इसी के दौरान जो है डाउट है कि वो खेलेंगे या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे इस तारीख है जिनका परफॉर्मेंस जो है बैट और या फिर इन्होंने से बैटिंग से कोई अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन विकेट कीपर पर जो कैचिंग का पॉइंट है वही इनके जो है पॉइंट्स पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं बैट्समैन की, तो यहाँ पे जो क्या होता है यहाँ की ग्राउंड जो है बहुत ही छोटी है, ठीक है, ग्राउंड बहुत ही छोटी है। तो आप एक चीज़ अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जो टीम सेकेंड बैटिंग करती है वो टीम जो है ज़्यादातर 10 में अभी तक 9 मैच हुआ है,
शायद 9 में से 7 या 8 मैच जो है जो टीम पहले बैटिंग की है वो हारी है। तो अगर टॉस के बाद आपको उसी हिसाब से टीम बनाना होगा कि जो सेकेंड बैटिंग करेगी यानी जो टॉस जीतेगी वो तो बॉलिंग करेगी, तो जो सेकेंड बैटिंग करेगी वो टीम जीतने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पे टीम भी बनानी है। तो क्रिस लिन जो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, मैंने यहाँ पे मनरो को लिया है। मनरो और मुंशी में से आप किसी एक को ले सकते हो क्योंकि दोनों को ले अगर आप लोगे तो ऑलराउंडर पे किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जॉर्ज मुंशी को यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है, आप चाहें तो जॉर्ज मुंशी को ले सकते हो, मनरो को ड्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे साइमन अनवर और यहाँ पे नीचे मैंने ये सोहेल को लिया हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो, जैसे भी यहाँ पे नीतीश कुमार है आप इनको ट्राई कर सकते हो, अगर इनको बैटिंग मिला तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो ड्वेन ब्रावो, शाहिद अफरीदी और जेपी डुबनी बिल्कुल फिक्स है। आप चाहें तो 4 ऑलराउंडर को ले सकते हो अगर आप किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप करके यहाँ पे रोहन मुस्तफा को ले सकते हो, तो यही आपके लिए एक अवेलेबल ऑप्शन रहेगी। अब बात करते हैं बॉलर्स की, तो यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट बॉलर है जो कि वाव रियाज और इमरीत है। तो इन दोनों को आप अगर पॉइंट के अगर आप क्रेडिट अगर बचा सकते हो तो आप बिल्कुल इन्हें ले सकते हो अपने टीम में। अदरवाइज आपको इन दोनों को लेना बहुत ही ज़्यादा टफ होगा क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे जोर खान ईश्वरी और उमेर घानी को लिया हुआ है, क्योंकि क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से मैंने यहाँ पे वाव रियाज और इमरीत को नहीं लिया। अगर आपको क्रेडिट कैसे मेंटेन कर पा रहे हो तो आप ज़रूर उनको लेना। तो एक ऐसी एप्लीकेशन भी है जो कि आपको क्रेडिट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है बहुत सारी एप्लीकेशन की, आप चाहें तो उनको जो है खेल सकते हो क्योंकि बहुत सारी बेनिफिट होगी। आपको खुद से पैसा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बोनस मिल जाएगा, उस बोनस से आप वो सारी एप्लीकेशन को जो है खेल सकते हो। तो कैप्टन मैंने यहाँ पे ड्वेन ब्रावो को लिया हुआ है क्योंकि ये दे दो ओवर में बॉलिंग करेंगे और बॉलिंग अगर करेंगे तो इनको 2-3 विकेट मिल सकते हैं, और बैटिंग पे तो आपको पता ही अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। हालांकि जो कि ग्लोबल T20 यानी कनाडा की जो ग्राउंड है बहुत ही छोटी है, तो इनके लिए छक्के मारना बहुत ही आसान बात होगी। वहीं पे मैंने यहाँ पे वॉइस कैप्टन जो यहाँ पे मैंने शाहिद अफरीदी को लिया है क्योंकि लास्ट मैच का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इनका। तो 90% स्मॉल लीग की टीम में जो है क्रिस लिन कैप्टन होंगे, तो इसलिए मैंने क्रिस लिन को नहीं दिया है। अगर आपको अच्छा विन करना है तो जो लोग 90% कर रहे हैं अगर आप भी वो करोगे तो आप कैसे जीतोगे, आपको कुछ ऐसा करना है जो कि 10% लोग कर रहे हैं, 90% लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेगा आपके लिए कॉलिन मंडो और लिंडन सिमन, इन दोनों में से आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। अदरवाइज इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।